वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। और इससे पहले जो 9 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर विजिट करके आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। और इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इसमें से आपको 1 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 5 मार्क्स जो क्वेश्चन आता है उसमें मेनली न्यूमेरिकल वो 100% आपको मिलेगा। और इसके लिए साइन कन्वेंशन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वहाँ पर आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपको मिरर बताना है, तो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज किससे बनती है, कॉनकेव मिरर से, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण जिसके कारण इसमें इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, ये आपको यूजेज आपने किए होंगे और उसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़ कई बार पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो इरेक्ट और हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, इरेक्ट होती है और डिमिनिश होती है, ठीक है, विच गिव अ वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। तो जो है इरेक्ट इमेज बनती हैं और डिमिनिश बनती हैं, तो पीछे का जो पूरा एरिया है व्हीकल्स का, ठीक है, वो जो ट्रैफिक है वो पूरा दिखाई देता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है 1.50, ठीक है। और जो है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहाँ से मूव कर रही है, एयर से किस में मूव कर रही है, ग्लास में मूव कर रही है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, ये स्टैंडर्ड है जो यूनिट है, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे, कैसे होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन विल बी इक्वल टू सी बाई वी। सो 1.50 यहाँ से आप इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो यहाँ से जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन इज, स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। वैसे तो देखिए हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि फोकल लेंथ अगर इसमें पॉजिटिव में है तो यानी वो क्या होगा, आपका जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा, और अगर नेगेटिव में है फोकल लेंथ तो जो लेंस होगा वो आपका कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो और जो पावर निकलेगी यहाँ से फोकल लेंथ से क्या निकलेगी, पावर, तो पावर भी प्लस में निकलेगी किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और माइनस में निकलेगी कॉनकेव लेंस के लिए। सो यहाँ से देख लेते हैं केस फर्स्ट में क्या है, एफ गिवन है 50 सेंटीमीटर या उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.5 मीटर। सो पी पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इन मीटर, तो 1/0.5 यानी 2d आ गया, ठीक। अब पावर किस में निकली, प्लस में निकली, तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, और अगर एफ माइनस में है तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -2d पावर आएगी, और अगर पावर माइनस में है तो क्या होगा, लेंस जो है कौन सा है, कॉनकेव होगा। यहाँ से याद भी आप कर सकते हो, जैसे केव होती है ना, केव, केव यानी गुफा, अगर गुफा में जाओगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है ना, कि अंदर जो है कोई भी किसी भी तरह का एनिमल हो सकता है, कुछ इस तरह से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो कि जो भी कॉनकेव होगा, लेंस होगा, ठीक है, उसके लिए जो पावर होती है वो हमेशा माइनस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट। आपके पास दो लेंस दिए गए हैं, फोकल लेंथ एक की +10 सेंटीमीटर है और दूसरे की कितनी है -5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको इन दोनों लेंस जो हैं इनकी कॉम्बिनेशन में पावर बतानी है। तो यहाँ से क्या होगा, एफ वन आपका, आपको जो है किसमें है, प्लस में है, और एफ टू किसमें है, माइनस में है। सो फोकल लेंथ दोनों की कॉम्बिनेशन में करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे,
सो यहाँ से दोनों को प्लस करेंगे तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय एफ वन प्लस 1 बाय एफ टू। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा एफ विल बी इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। यानी उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो एक कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, माइनस 10 सेंटीमीटर। और फर्दर जब आप इसकी पावर निकालोगे तो पावर कैसे निकलेगी, पावर विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ, सो इट विल बी 100 बाय एफ। सो 100 बाय 10 डी जो है हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस 10 डी जो है पावर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ऑन योर आंसर शीट, शो द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ईच केस। तो इसमें देखिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको वन मार्क में जो रे डायग्राम आते हैं और आपको वो कंप्लीट करनी होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसमें अगर आपकी फर्स्ट, अगर हम देखें फर्स्ट जो केस है आपका, उसमें क्या है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो ये रूल क्या कहता है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगी, ये इसका आंसर रहेगा। इसमें देखिए अगर आपकी जो रे है वो कहाँ से जा रही है, फोकस लेंस से जा रही है, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट आपके ऑप्टिकल सेंटर पे है तो उसी एंगल से जो है ये क्या कर जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, जब हम आप पेंसिल को डिप करते हो इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर तो वो क्या दिखाई देती है आपको, मुड़ी हुई दिखाई देती है। विल द पेंसिल अपीयर टू बी बेंट टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। यानी अगर आप पानी की जगह कोई और लिक्विड ले लेते हो लाइक केरोसिन है टर्पेंटाइन है, तो क्या तब भी वो उतनी ही मुड़ी दिखाई देगी, ये क्वेश्चन आपको इसका जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बेंडिंग, नो बेंडिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड, बिल्कुल डिफरेंट होगी डिफरेंट लिक्विड में, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है एट द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया डिपेंड ऑन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हर एक मीडियम के अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एज कंपैरिजन, किससे करते हैं हम, कंपैरिजन टू लाइट। ठीक है, तो उसका एक अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बेंट करेगी। जो लिक्विड जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। ठीक है, जो जितना कम जो है विस्कस होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। सो ए मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन अ मीडियम हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी ज़्यादा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा। अगर हनी की बात करें तो हनी जो है वो वाटर से ज़्यादा विस्कस है तो उतना ही वो ऑप्टिकली डेंसर होगा एज कंपेयर टू वाटर। सो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हायर विल बी द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ दैट मीडियम। जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतनी ही ज़्यादा वो लाइट को बेंड करेगा, अगर आप किसी दूसरे जो रेयर मीडियम है उसे कंपेयर करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, व्हेन द हेडलाइट इज एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इट कन्वर्ट द डाइवर्जिंग बीम फ्रॉम द सोर्स टू अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, तो ये रे डायग्राम आपको पता ही है, फोकस पे होता है तो वो क्या करेगा, पैरेलल जो है ऐसे रेज जाती हैं जिससे काफी आगे तक का जो है वो दिखाई देता है। तो कौन सा मिरर यूज करेंगे हेडलाइट ऑफ कार में, हम करेंगे कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, उसमें कौन सा करते हैं, अभी हमने पीछे भी किया है, तो कॉन्वेक्स मिरर उसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और साथ साथ डिमिनिश होती है ताकि पीछे का जो पूरा एरिया है वो दिख जाए। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, रेज को कन्वर्ज कर देता है, जिससे सोलर जो फर्नेस है उसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को राइज किया जा सके। पैरेलल बीम रेज कमिंग फ्रॉम द सन बिकम इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द फोकस, यानी एक पॉइंट पे फोकस होके वो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा राइज करेंगे, इसलिए सोलर फर्नेस में जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। सो ये क्या होगी आपकी, हम जो स्टेटमेंट में गिवन है वो साथ साथ जो है आप लिखते चले जाइए, इससे न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी हो जाता है। तो एच जो है ऑब्जेक्ट की हाइट यानी वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, और वो हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। तो साइन कन्वेंशन के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी।
An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror. ठीक है, तो यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके सामने 20 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है. तो 20 सेंटीमीटर क्या हो गई आपकी, यू हो गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा किस में होगी, माइनस में होगी. यू हमेशा माइनस रहेगा, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में रहेगी. ये चीज़ें ध्यान रखो. नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर. तो R गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर. R भी किस में होगा इसका, हमेशा प्लस में होगा. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज. तो R जो है किस में है, कॉन्वेक्स मिरर है. R यहाँ पर होगा मान लीजिए, तो ये किस में होगा, प्लस में होगा. ठीक, क्योंकि राइट हैंड पे जो डिस्टेंसेज होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो हमेशा प्लस में होती हैं, और ऑपोजिट अगर आप आते हो तो वो हमेशा माइनस में होती हैं. अब आपको निकालना है यहाँ से, पहले फोकल लेंथ निकाल लीजिए. R का जो है हाफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ यानी प्लस 15 जो है क्या होगी इसकी, फोकल लेंथ होगी. अब आपको निकालना है पोजिशन ऑफ द इमेज यानी वी निकालना है, इसका नेचर निकालना है यानी एच आई जो है वो निकालना है आपको, हाइट निकालनी है इमेज की, और नेचर कैसा है वो आपको बताना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम मिरर फार्मूला लगाएंगे. मिरर फार्मूला क्या होगा, 1 बाय एफ विल बी इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. यहाँ से 1 बाय 15 आप वैल्यू जो है पुट करोगे. हमारे पास एफ की वैल्यू आई थी 15, यू की वैल्यू क्या थी माइनस 20. यहाँ से साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर जो है वो रोंग होगा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी. सो ध्यान रखिए. ठीक है, 1 बाय वी निकालना है, तो यहाँ से 1 बाय वी निकालेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व काफ़ी ईजिली कर सकते हो, तो 7 बाय 60 यानी 8.56, और आंसर किस में आया, प्लस में आया. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आंसर प्लस में है. इट मीन्स क्या है कि अगर आपका आंसर प्लस में आया है तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्वियसली मिरर के कहाँ बनेगी, जो है इसके बैक में बनेगी. और थोड़ा सा आपको यहाँ से कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम से भी याद रखना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती हैं. ठीक है, स्मॉलर इन साइज होती हैं और साथ साथ इरेक्ट भी होती हैं. तो यहाँ से वैसे भी पता लग जाएगा कि इस तरफ बनेगी तो क्या होगा, वी किस में है, पॉजिटिव में है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है. इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी और रियल इमेज अगर होगी तो वो इन्वर्टेड होगी. उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. मैग्नीफिकेशन अगर आप निकालते हो तो कैसे निकलेगा, मैग्नीफिकेशन एम विल बी इक्वल टू एच हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाय यू. इसमें देखिए कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. अगर यहाँ पर प्लस है तो आप थोड़ा सा ट्रिक करके लगा के याद रख सकते हो कि मैग्नीफिकेशन में फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा. सो माइनस वी बाय यू. तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इमेज की. तो ये सारा फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए जो आपके लिए काफ़ी सिंपल है. तो यहाँ से आपका आंसर आता है 2.14 सेंटीमीटर, ये हाइट है इमेज की. अगर आप देखोगे तो हाइट जो ऑब्जेक्ट की थी वो आपकी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर. इसका क्या मतलब है यहाँ से कि जो आपकी इमेज बनी है वो डिमिनिश है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट. आपके ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 और यहाँ पर जो इमेज बनी है उसकी हाइट है 2.14 सेंटीमीटर, जिससे पता चलता है कि जो इमेज है वो डिमिनिश है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस. देखिए कई बार आपको लेंस का नाम नहीं आता, इस तरह से आ जाएगा कन्वर्जिंग लेंस. आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है. तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कॉनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है. इसी तरह मिरर कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है. आफ्टर दैट एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक इसमें भी हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. यहाँ पर आपको u जो दी है वो कितनी है, 25. साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, u हमेशा माइनस में होगा. हम ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ठीक, f क्या है, प्लस 10 सेंटीमीटर होगी. फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, ध्यान रखिए. उसके बाद आपको निकालना क्या है, वही v निकालना है, हाइट निकालनी है इमेज की. तो यहाँ पर आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाय एफ इजिकल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. यहाँ से देखिए आप जो है निकाल लेंगे v की वैल्यू. यहाँ से जब आप v की वैल्यू निकालते हो
तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में, ध्यान दीजिए वैल्यू आएगी प्लस में, प्लस 16.67। वैसे भी प्लस 16.67 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो किस तरफ बनेगी, वो आपकी इस तरफ बनेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, क्योंकि प्लस में वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर इमेज जो होगी वो रियल होगी, ठीक। रे डायग्राम से आप बता सकते हो इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और इन्वर्टेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, अब आपके पास यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो आपकी कितनी निकली है, फोकल लेंथ आपकी है प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है कितने पर, 25 सेंटीमीटर, यानी F1 कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपकी 2F कितने पे होगी, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका है 25 पे, यानी आपके जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 2F से बियॉन्ड 2F रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रखा है तो अगर आपने रे डायग्राम किए हैं तो आप बता सकते हो कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनेगी कहीं पे, ठीक है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ये हम रे डायग्राम से कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल ठीक है या नहीं है। सो लास्ट में देख लेते हैं, आफ्टर दैट मैग्निफिकेशन फार्मूला हम लगाएंगे, m विल बी इक्वल टू h हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाई u, सिंपल है। अब लेंस फार्मूले में बीच में माइनस आया है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। इमेज जो है वो यहाँ पर आप पूरी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा -3.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, आपका वैल्यू है यहाँ पर -3.3 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि जो हाइट इमेज की हाइट है वो कितनी है, 3.3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी आप, वो थी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कैसी है, डीमिनिश इमेज है, ध्यान दीजिए इमेज का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से। अब यहाँ पर जो माइनस है, माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माइनस में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। माइनस यहाँ पर केवल ये बता रहा है कि इमेज इरेक्ट ना होकर इमेज कैसी है, उल्टी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इमेज ऐसे नहीं बनी है, इमेज कैसे बनी है, ऐसे बनी है, माइनस साइन केवल यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। तो यानी इमेज इन्वर्टेड है तो कैसी होगी, हमेशा रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, काफ़ी बच्चे यहाँ पर माइनस प्लस में कंफ्यूज रहते हैं और ये बिल्कुल बहुत ही इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पर आपको मिरर कौन सा गिवन है, कॉनकेव मिरर है। तो साथ साथ आप, सबसे अच्छा होता है कि जो भी मिरर आपको गिवन है वो साथ साथ आप ड्रॉ कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा हिंट आपको रे डायग्राम से भी मिल सके। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में होगी, ध्यान दीजिए कॉनकेव चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में रहेगी, पावर लेंस की माइनस में होगी। सो यहाँ पर आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए, एच जो है कितना है, 7 है, यू -27 है, एफ कितना हो गया, -18 हो गया, वी और एच डैश निकालना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, वी निकाल लीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे, वी निकाल लीजिए -54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो बनेगी वो 54 सेंटीमीटर पे बनेगी, और माइनस में आंसर आया है, माइनस का मतलब क्या है कि इस तरफ नहीं बनेगी, इमेज जो बनेगी वो इस तरफ बनेगी, ठीक है, इन द ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब कैसी है, कैसी होगी, इमेज माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि सेम साइड होगी जिस साइड पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर इमेज कैसी होगी कि वो रियल होगी। और रियल इमेज अगर बन रही है, देखो रे भी इस तरफ से जा रही है और इमेज भी यहीं बन रहेगी, तो रियल होगी, रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम m निकाल सकते हैं, m के लिए फॉर्मूला ये आ गया, यहाँ से आपको क्या निकालना है, h डैश निकालना है, ठीक है, तो सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, h डैश यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस ये है ही ऑलरेडी, और v आपका किस में निकला है, -54, u आपका -27 था, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 7 है, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी हाइट ऑफ इमेज की वो आएगी -14 सेंटीमीटर। साइज कितना है, 14 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज़ इन्वर्टेड, दैट द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट केप्ट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिवन अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ओवर द सेम साइड ऑफ द लेंस. ठीक, यहाँ पर यू कितना है, -60 है, और जो लेंस है वो कैसी इमेज दे रहा है, वर्चुअल इमेज दे रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ओवर द सेम साइड ऑफ द लेंस. सेम साइड दे रहा है तो इसका मतलब वी कैसी है, -20 सेंटीमीटर है, माइनस में ली जाएगी, सेम साइड हो गया. What is the focal length of the lens? Is the lens converging or diverging? तो यहाँ से आपको बताना है कि लेंस कैसा है. यहाँ पर पहले गिवन नहीं है कि कौन सा लेंस है, बस आपको पॉसिबिलिटीज दी हैं कि ये ऐसा ऐसी इमेज बनती है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर निकालना है. तो यहाँ से लेंस फॉर्मूला निकाल के अगर हमें एफ निकाल पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि लेंस कौन सा होगा. अगर एफ पॉजिटिव में निकलती है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स है, अगर एफ नेगेटिव में निकलती है तो इसका मतलब जो है कि जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है. तो यहाँ से देख लेते हैं सारी वैल्यूज जो पुट करने के बाद एफ की वैल्यू जो निकली वो निकली -30 सेंटीमीटर. जैसे मैंने आपको बताया एफ की वैल्यू नेगेटिव में आई है तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव शोज दैट लेंस कौन सा है, वो डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कौन सा है, कॉनकेव लेंस है. ठीक, ये पहले भी हम कर चुके हैं पॉइंट. और फोकल लेंथ कितनी आएगी यहाँ से, 30 सेंटीमीटर, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी. नेक्स्ट इज काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो टू लॉज क्या होंगे, दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर मीडिया. आपको चार मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ए बी सी एंड डी, दीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. मीडियम दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है, ए 1.33, बी 1.50, सी एंड डी. अब आपको इन्हीं टेबल के बेस पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं. इफ़ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन विच केस द चेंज इन द स्पीड विल बी मिनिमम किस में होगी और मैक्सिमम किस में होगी. तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात जो है आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी यानी वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा. तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए अब आपके पास जो टेबल, अब आपको यहाँ पर जो डी मीडियम गिवन है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है 2.40. इट मीन्स इससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी की भी नहीं है ए बी सी में से, यानी जो डी है वो यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर है, मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी है किसकी, डी मीडियम की. और अगर हम मिनिमम की बात करें तो आप देख सकते हो ए जो है वो क्या होगा, मिनिमम डेंसर होगा, यानी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम यहाँ पर कौन सा है, ए है. अब बात करते हैं कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम किस में होगी, तो मिनिमम किस में होगी, ए के अंदर जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकली लेस डेंसर है देन द अदर मीडिया. और मैक्सिमम चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, डी में होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन सा है, डी मीडियम है इन बाकी सभी मीडियम के कंपैरेटिवली. तो यहाँ पर चेंज इन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में देखा गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसे चेंज होती है, क्या इफ़ेक्ट होगा अगर आप जो है मीडियम को चेंज कर देते हो. तो सो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.